नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये वीवो के रिलेटेड है और ये खबर हर एक पाकिस्तानी को खुश करने वाली है और ये खबर है वीवो के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्लांट के रिलेटेड। बेसिकली वीवो ने डिसाइड किया है कि वो 10 मिलियन डॉलर यहाँ पर लगाएंगे। मेरी पिछली जो खबर है उसके अंदर मैं 2 मिलियन डॉलर की बात कर रहा था, यहाँ पर 10 मिलियन डॉलर की बात की जा रही है। और ये जो 10 मिलियन डॉलर्स हैं ये वीवो इन्वेस्ट कर रहा है अपने प्लांट के अंदर जो उन्होंने फैसलाबाद में लगाया है। अब अभी तक वीवो इस प्लांट के ऊपर ज़्यादातर फ़ोन्स असेंबल कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वीवो इसको मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन फैसिलिटी के तौर पर लेकर जा रही है। और वो जो ख्वाब है ना सबका कि मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स हों, तो ये उस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ये जो सेल फोन्स हैं प्रॉपरली प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब जिनको नहीं पता असेंबली और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ये डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जो असेंबली होती है इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट बनी होती है जिसको आप लाते हैं और उसको जोड़ देते हैं, तो पार्ट्स पहले से बने होंगे। अगर मोबाइल फ़ोन है तो स्क्रीन ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोसेसर और मदरबोर्ड सब कुछ अपनी जगह पे बना हुआ है, आप लाकर सिर्फ जोड़ रहे हो। जबकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप बना रहे होते हो, बजाते खुद बना रहे होते हो। और यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग एक नया स्टेप कंसिडर होता है। और पाकिस्तान अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है तो जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर चली जाती है वो ऑटोमेटिकली R&D में भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तस्वीर भी वीवो ने अपनी प्रेस रिलीज में दी है, इसके अंदर जो फ़ोन है वो मेरे हिसाब से वीवो का V21e है। ऑल्दो इनके डिज़ाइन एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो फ़ोन है ये रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था और इस पर असेंबल्ड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि वीवो का प्लांट, क्योंकि वीवो खुद लगा रही है और इस पर इन्वेस्टमेंट वो खुद कर रही है, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर महंगे सेल फोन्स भी असेंबल हो सकेंगे। जबकि दूसरे प्लांट्स जो अभी तक लग रहे हैं जनरली वो लोअर बजट के जो फ़ोन्स हैं उनको असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो कैपेसिटी है और जो प्लांट की क्वालिटी है वो नहीं है जो वीवो खुद कर सकता है। और वीवो ने यहाँ पर हर चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक वैसे ही रखी है जिस तरह वो चाइना में रखते हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटेड भी बनाई गई हैं।